तो वेलकम बैक गाइस टू द वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग अगर कभी एप्पल का प्रोडक्ट कोई खरीदे हो ना, लाइक मेरे तरह जैसे मैं आईपैड मिनी 5 खरीदा था, तो ऐसे ही आप लोग अगर कोई से भी आईपैड या फिर आईफोन कभी खरीदे हो ना, तो आप लोग जब अपना डिवाइस को अपग्रेड करना चाहते हो ना, तब आप लोग दूसरा कोई डिवाइस लाइक एंड्रॉयड की तरफ देखते भी नहीं हो। तब आप लोग सोचते हो कि मैं नेक्स्ट कौन सा आईपैड लूँगा या फिर नेक्स्ट कौन सा आईफोन लूँगा। तो ऐसा क्या होता है कि एप्पल प्रोडक्ट के साथ, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये वाला वीडियो पे ना कोई गेम प्ले वाला वीडियो नहीं है। ये वाला वीडियो पे मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लचेस वगैरह किया हूँ, तो वो सब क्लचेस आप लोग देख सकते हो। अरे अरे इजी है क्या? मारो भाई। अब लोग ये जितना भी सारा क्लचेस है आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। लेकिन अभी अगर हम लोग टॉपिक के बारे में बात करें ना, तो वैसे देखो एप्पल जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, अगर आप लोग कभी लाइव एप्पल का प्रोडक्ट लॉन्च देखे हो तो यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस हो जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे एप्पल कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करता है कि कोई सा भी सैमसंग या फिर कोई सा भी वन प्लस या फिर कोई सा भी अदर जो कंपनी होता है ना, उनका डिवाइस के साथ कभी कंपेयर नहीं करता। वो लोग जब अपने डिवाइस को लॉन्च करते हैं ना, तब बोलते हैं कि ये जो आईफोन होगा या फिर ये जो आईपैड होगा, इसका पिछला वाला जो आईफोन था या फिर आईपैड था उससे 10% फास्टर काम करता है, 20% फास्टर काम करता है। लेकिन यहाँ पे बाकी टेक कंपनियाँ क्या करता है लाइक सैमसंग या फिर वन प्लस, वो लोग जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, तब दूसरा कोई कंपनीज के प्रोडक्ट के साथ वो लोग कंपेयर करता है कि ये वाला जो डिवाइस है दूसरे वाला कंपनी का उस डिवाइस से बेंचमार्क से बहुत ही ज़्यादा आगे है। लेकिन एप्पल वाले ऐसा कभी नहीं करते। ऊपर से एप्पल वाले जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना और इतना ज़्यादा सिंपल होता है ना, कोई सा भी एक नॉर्मल यूज़र अगर एप्पल का डिवाइस यूज़ करेगा ना, तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, भले ही उसमें एंड्रॉयड जैसा इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन ना हो, जो लोग एंड्रॉयड के टिपिकल फ़ैन हैं वो लोग एंड्रॉयड का कस्टमाइजेशन के लिए एंड्रॉयड पसंद आता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि एंड्रॉयड के परफॉर्मेंस के वजह से एंड्रॉयड को पसंद आया होगा। अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो एप्पल का डिवाइस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि एप्पल का जितना भी सारा प्रोडक्ट होता है ना, लाइक आईफोन या फिर आईपैड या फिर आईमैक या फिर और भी जितना भी प्रोडक्ट है लाइक एप्पल वॉच, वो अपना हर एक इंडिविजुअल मार्केट को ना बीट करता है। लाइक वो सब प्रोडक्ट टॉप नॉच है अपना इंडिविजुअल मार्केट में। लाइक अगर फ़ोन का मार्केट के हिसाब से देखोगे ना, तो आईफोन सबको ही लेना चाहता है और आईफोन एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फ़ोन हो जाता है दूसरे कोई एंड्रॉयड फ़ोन का कंपैरिजन में। और आईपैड का बात करें तो वो भी कोई सा भी एंड्रॉयड टैबलेट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इवन अगर एप्पल वॉच की भी बात करें तो भी जितना भी सारा वॉच है ना अभी तक इस करंटली मार्केट में है, उनसे सबसे बेटर एप्पल वॉच है। अगर हम लोग मैक का बात करें तो जितना भी सारा लैपटॉप है उससे बेटर है मैक। M1 प्रोसेसर तो पूरा तबाही मचा रहा है। तो अब लोग देख सकते हो कि एप्पल का जितना भी सारा प्रोडक्ट है ना, वो किस तरीके से अपना मतलब जितना भी प्रोडक्ट है अभी करंट मार्केट में सबको ईजीली बीट कर देता है। एप्पल और कोई दूसरे कंपनी की तरह भी एक साल में 10 फोन या फिर 20 फोन लॉन्च कर सकता है, बट एप्पल ऐसा नहीं करता। एप्पल जो प्रोडक्ट है ना उसका, लाइक आईफोन में पहले 2 लॉन्च करता था, अभी करेंटली एप्पल 4 लॉन्च करता है डिवाइस आईफोन में। आईपैड में भी सेम 4 डिवाइस है, लेकिन 2 साल के गैप में वो लोग लॉन्च करता है। लाइक हर एक साल में 2 डिवाइस, लाइक 2 आईपैड, फिर उसके बाद 2। एप्पल वॉच जो होता है अभी करेंटली हर एक साल में आ रहा है, उसमें भी हम लोग को 1 या 2 ही वेरियंट देखने को मिलता है, जैसे कि AC के साथ होता है। तो अब लोग देख सकते हो कि एप्पल कोई दूसरा प्रोडक्ट की तरह हर साल में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता, बहुत ही कम प्रोडक्ट लॉन्च करता है। लेकिन वो जो एप्पल का जो इकोसिस्टम है ना, उसको ताकि अच्छे से कंट्रोल कर पाए एप्पल। एप्पल कोई ऐसा नहीं कि और दूसरा कोई बंदा उसको कंट्रोल करे, एप्पल खुद अपना प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है और अपने इकोसिस्टम को अच्छा बनाता है, अच्छा प्रोडक्ट देके, भले ही जितना भी हम लोगों को पैसा पे करना क्यों ना पड़े उसके लिए। लेकिन सबको अगर अच्छा एक्सपीरियंस मिले ना जो एप्पल से मिलता है, और उस जगह पर और कोई दूसरे कंपनी से हम लोग को इतना बेटर एक्सपीरियंस नहीं मिलता। सेम मेरे साथ भी सेम चीज़ें हुआ। मैं भी जब अपना आईपैड मिनी 5 खरीदा ना, तो मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं एप्पल के इतना ज़्यादा फ़ैन बन जाऊँगा। लेकिन लिटरली बोल रहा हूँ, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में ना मैं भी एक एप्पल का प्रोडक्ट का फ़ैन बन चुका हूँ। इवन मैं खुद इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाया। जब मैं खुद सोचता हूँ ना कि मैं कौन सा डिवाइस में अपग्रेड करूँगा, तो मैं कोई सा भी और डिवाइस के बारे में सोच ही नहीं सकता, कोई सा भी और एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में सोच ही नहीं सकता। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट कौन सा आईपैड लूँगा या फिर नेक्स्ट कौन सा मेरा आईफोन लूँगा, क्योंकि मैं आगे जो भी करूँगा ना, भले जितना भी कस्टमाइजेशन एंड्रॉयड में अच्छा हो, एंड्रॉयड का भी फ़ैन हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कि अभी करंटली मैं आईपैड का बन चुका हूँ। और इवन इस चीज़ को मैं रियलाइज़ भी नहीं कर चुका। लेकिन एक और चीज़ एप्पल वाले सबसे ज़्यादा मस्त करते हैं, वो ये कि अपना खुद का चिपसेट खुद बनाना।
वो किसी और से अपना चिपसेट नहीं बनाता, तो इससे क्या होता है कि उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। इवन जो डिवाइस सेल करता है ना वो लोग, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस की तरह नहीं होता कि वन प्लस सपोज कोई एक डिवाइस बना रहा है लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो क्वालकॉम या फिर स्नैपड्रैगन का थोड़ा परसेंट देना पड़ रहा है। तो गाइस अगर आप लोग ये वाला वीडियो अच्छा लगा ना, तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और अगर इस वीडियो को अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो ना, तो राइट साइड वाला वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख सकते हो कि मैं कल सोलो वी स्क्वाड में 21 किल सेकेंड इनर किया वो वाला वीडियो। और लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख सकते हो कि आईपैड 9 जेन का बेस्ट बजट आईपैड है ये वाला वीडियो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं आज शाम वाला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।